बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट मैथमेटिक्स फॉर ऑल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन टेस्ट, ई कैट, नस्ट, जीकी, फास्ट, प्यास एट्सेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। भजन गिवन हमारे पास ए है 1, 2, 3, बी में है 3, 4, सी में है 4, 5, 6। देन ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भजन बी इंटरसेक्शन सी है, बी हमारे पास है 3, 4, सी हमारे पास है 4, 5, 6। भाई इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, तो बी इंटरसेक्शन की होगा 4 होगा जी। भाई बी इंटरसेक्शन में सिर्फ 4 एलिमेंट आएगा जी। नाउ इसका ए के साथ यूनियन लेना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए हमारे पास है 1, 2, 3 और यूनियन हमारे पास है जी 4। तो भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमने ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, आपने ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इनका बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, तो हमारा आंसर निकला 1, 2, 3, 4। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। सेट ए हमारे पास एक्स, सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर हमारे पास है 16 के एंड 2x हमारे पास है 3 इक्वल्स टू, आपने बताने के भाई इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई एक्स में रियल नंबर हैं जी, ए में सेट ऑफ रियल नंबर हैं जी, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर 16 के और 2x बराबर हमारे पास 8 के जी, इक्वल्स टू, आपने बताने के भाई इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। रख दे, रख दूंगा, इधर रख दूंगा। जी भजन लेट ए हमारे पास है ए बी सी, बी हमारे पास है बी सी डी, सी हमारे पास ए बी डी ई, देन आपने भजन क्या साबित करना है जी, देन आपने साबित करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भजन विच ऑप्शन इज करेक्ट जी, ए बी सी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, जो जवाब आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। भजन बी यूनियन सी करें, बी हमारे पास है बी सी डी और ए यूनियन सी हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी डी ई सॉरी। तो भजन जब आप यूनियन लेंगे ना तो क्या होगा, ए बी सी डी और ई जी। भाई जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी ई। अब बी यूनियन सी निकला, इसका भजन ए के साथ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास है ए बी सी और भजन ये ए बी सी डी, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी आएगा जी। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स,
जो दोनों में मौजूद हों। भाई इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जी, बाई जान इंटरसेक्शन में शक आते हैं हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, भाई इंटरसेक्शन में शक आते हैं कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, और यूनियन में भैया कॉमन एंड अनकॉमन दोनों आते हैं जी, तो हमारा रिजल्ट आया ए बी सी, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपने पहले बी यूनियन सी निकाला, जो जवाब आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाला, यू गेट ए बी सी जी, आपका ए बी सी आएगा, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट भाई जान, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास ए इंटू एन बराबर है ए इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड बी एन इंटरसेक्शन सी एन बराबर है डी एन, वेयर बी एंड सी बिलोंग्स टू एन आर रिलेटिव प्राइम, और दोनों के यहाँ रिलेटिव प्राइम है, देन आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी, भैया आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी, ठीक है जी। ए एन हमारे पास है ए इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन, वेयर बी एन सी बिलोंग्स टू एन, और भैया दोनों रिलेटिव प्राइम है, देन आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जान ए एन से मुराद है ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नाउ बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन गिवन है, वेयर बी सी बिलोंग्स टू एन आर रिलेटिव प्राइम, हेयर बी एन क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बी, भाई बी एन से क्या मुराद होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बी, भैया आपने एन के एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, एंड सी एन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ सी जी, भजन रिलेटिव प्राइम है, तो भैया ये सी एन का मतलब है आपने नेचुरल नंबर को सी से तरफ दी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ सी, भाई वो सी के साथ मल्टीप्लाई करना जी जी। तो भैया देखो बी एन इंटरसेक्शन सी एन क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बी सी, भाई देखो ना सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी, यानी कि इसके अंदर बी सी के साथ जो मल्टीप्लाई होंगे वो एलिमेंट्स आएंगे, तो बी सी इंटू एन जी, ठीक है जी, तो बी सी इंटू एन जी, तो लिहाजा बी सी किसके बराबर होगा भाई जान, डी के बराबर, भैया बी सी किसके बराबर होगा, डी के, तो भैया बी एन इंटरसेक्शन सी एन बराबर होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बी सी, वो बनेगा बी सी इंटू एन, लिहाजा डी किसके बराबर होगा भाई जान, बी सी के, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भजन। इवन हमारे पास है ए एन, ए एन से मुराद है आपने नेचुरल नंबर्स को भैया ए से मल्टीप्लाई किया, नो बी एन इंटरसेक्शन सी एन हमारे पास है डी एन के, वेयर बी और सी कैन रिलेटिव प्राइम जी, रिलेटिव प्राइम का मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट है जी, ये दोनों एक दूसरे का उनके साथ कोई जाना वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, तो आपने हल किया, तो भाई डी किसके बराबर निकला है, बी सी के जी, डी किसके बराबर निकला है, बी सी के, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुफारा मजलिस की दुआ, भाई जब आप मजलिस का अख्ताम करने लगे तो ये दुआ पढ़िया करें जी, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ए अल्लाह पाक है तू अपनी तारीफों समेत, अल्लाह पाक है तू अपनी तारीफों समेत, मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ, मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ। ये जामिया तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, जामिया तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, और हदीस नंबर है जी 3433 भाई 3433, और सुनन अबी दाऊद में यह हदीस मौजूद है जी, ठीक है, और हदीस नंबर है 4859 जी, और मुस्नद अहमद में 77/6 में मौजूद है, और सुनन अल किबरा में यह हदीस 113/6 में मौजूद है, और हदीस नंबर है 10259। हज़रत आयशा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लम किसी मजलिस में तशरीफ़ रखते या कुरान करीम की तलावत फरमाते या नमाज पढ़ते तो इसका इस्तेमाल इन अल्फाज पे करते थे, इसका अल्फाज इन अल्फाज पे करते थे, तो सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक जी। वंस अगेन कुफारा मजलिस की दुआ,
सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।